राम जी सारे ने कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो टाइम हो गया, अभी आपको दिखाती हूँ, 2:45 होने वाले हैं। अभी 2:30 बजे वहाँ से भाभी आई थी बुलाने के लिए कि उसकी बुआ आई हुई है, वहाँ जाओ मिलने के लिए उनके घर पर। तो मैं जब ये बहुत रो रही थी फिर सोने के लिए, तो इसको अभी बहुत मुश्किल से सुलाया है। ये देखो, दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। और नितेश को भी बुखार सा हो रखा है, तो वो भी नहीं तो उसे ही दे के चली जाती, लेकिन उसे भी बुखार हो रखा है, तो उसके पास नहीं भेज दे रही माँ जी इसको, क्योंकि ये भी छींक मांग मार रही है और थोड़ी थोड़ी खांस रही है। तो मगर कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, इसीलिए इसको उसको भी नहीं दे रही। तो अब ये सोई है, सारी दोपहर जगती रही है, अभी सोई है। देखो दिखा देखो, अभी सोई है, ये सारी दोपहर जगती रही है, अभी सुलाई है, अब ये सोगी। अब नितेश अगर ये रोए तो मेरे द्वारा फ़ोन मार दियो तुरंत, ठीक है बेटा। अभी ये भी उठ गया थोड़ी देर, तो थोड़ा आराम से लग गया, दवाई ली थी, तो बोल रहा है कि थोड़ी देर मम्मी मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो मैं कहा तू पढ़ रहा है जब तक, मैं वहाँ जा के आती हूँ, इसीलिए। तो चलिए चलते हैं, पैसे ले लेती हूँ, चलते हैं, जल्दी आ जाऊँगी। क्यों वैसे भी बुआ 3 बजे तो चली जाएगी, 2:45 हो ही रहे हैं। अभी 2:30 बजे फोन आया था, टाइम देख लो, ये देखो 2:45 हो रखे हैं। देख ले कदे मारी माँ का कार्ड कुर्ड चला जाए न कह नसीमा दीदी। हाय दीदी, ना ना हटिए, एक काम और बुद्धा का तराई। तो दीदी कौन सा पसंद करया? वो ये सारे जो मेरे पसंद में के नाम सुन पापा, ये मारे क्या माइक ले बात में, ये बात में सिखा कर मेरा भी याद ना है। एक पनी ला दे भूमि, पनी ला दे भूमि, चल ले भूमि। हाँ अच्छा काम, कौन है रे यार दक्षु, कौन है यार, कौन है बुआ, क्या नाम है इसका, कौन सी बुआ है, सुनीता बुआ, कौन सी बुआ है, सुनीता है, सनीता है, इसने पता ही ना। अच्छा हेलो गाइस कर देता, उरे ना का कर। हेलो गाइस मेरी बुआ आ रही है, बता तो दे गाइस को जल्दी बता। हेलो गाइस मेरी बुआ आ रही है। हाँ मेरी शीमा बुआ हर पहला दादा है। कौन आ रहा है? पहला दादा, ये का दादा आ रहा है बेबे। चालन की टाइम हो गया, चल लगी जाकदार को काट दे बेचारी। एक केड़ा बता रहा है कि उनका एक के काट ले मंजू, कदे बत्ती ले जाओ है तुम्हें को देखो। हाँ मत खड़ी हो, वह बैठ जा, खड़ी हो रही है, कभी ना बैठती आप पड़ रही हो कभी किसी किसी एक्टिव करो जरूर तैयार है कि आई अनवी के कर रही हो, अनवी के कर रहा है खदा होना है मामा मेरे को खदा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखे इसकी खड़ी आज पहली बार दीदी तो वीडियो कॉल पर बात करवाई और देव वहाँ पर भी इतनी हंसते जो तो रोज वीडियो कॉल देखा या फोन पर, और हम इस तक कभी नहीं दिखाते फोन, और कदे फोन नहीं दिखाते। आज संचिका दीदी तो नहीं वीडियो कॉल पर इसकी बात कराऊंगी, इतनी डिंगर डिंगर का बात करी है दीदी, तो इतनी खुश होगा दीदी भी राजी कर दी, बुआ भी कर दी। अनवी इस ये कह रही है इसके लिए बैठना भी पुराना हो गया है। मैं बैठना नहीं, तो सीधी देख क्यों पाय ना कर रही है, बैठा बैठती हूं, बैठ जाना देख, देखो हम ना आप खड़ी हो है जबरदस्ती कर रहा है। शना ए मेरा शना का कर ले हुई है आप, ये देखो ये गिर गई, खड़ा ना हो जाता ना फेस पे, कितनी देर तक खड़ी रहा कुछ भी गिर जाएगी, ठीक है फिर उठ जाएंगे गंदी लोगी गंदीली। नहीं नहीं एक्टिंग सिखा रहे को चीची क्या जी चलता है, हाँ बुर बुर कर रहा है, बुर बुर देखो टीवी देखा है वाह, मेरी नौल का डे जा है, पिट्टो इसे पिट्टो पिट्टो इसनो पिट्टो भी गाइस पिट्टो सब क्या माँ माँ तक दो माँ 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 आधा कड़ा ले है नू करना करूँ ऊपर तय माँ माँ कद्दो कद्दो एलो कद्दो एलो कद्दो कद्दो एलो ना माँ माँ कर लूँगा मैं तो दीदी बहुत छोटा हूँ मैं तो माँ माँ करता हूँ मस्ते मस्ते जी मस्ते मस्ते
इसकी तो गाइस देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब देखिए, ओ एक मिनट, ओ आप यहाँ से मतलब ऐसे ही देख लीजिए आप यहाँ से ही, और अभी टाइम हो रखा है लवीना और बाकियों का आने का, ये देखो अब मतलब दिख नहीं रही लेकिन वैसे बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और आई थिंक सो तो इतनी बारिश में गली में पानी भर गया होगा, दिखाती हूँ मैं आपको, एकदम वैसे लग रहा है दिन सा हो रखा है, देखो देखो हमारी गली का हाल देखो। और लवीना अरकान का टाइम हो गया है, अब चैलेंजिंग बात ये है कि लवीना अरकान कैसे आएंगे, और मेरा फ़ोन गीला हो गया, चलो ओ भाई एक मिनट, देखो इतनी सी बारिश थी और मैं भीग गई, और रील बनाने का बड़ा अच्छा टाइम है, इतने कपड़ों में बना लूँ इन्हें मैं बना लेती हूँ, फ़ोन सारा गीला गीला हो गया, एक मिनट फोन सारा गीला गीला हो गया, इन्हें कपड़ों में बना लूँ वो भी के है नहीं, बस थोड़े बाल सेट है, मम्मी को छाता लेके ऊपर खड़ा करना पड़ेगा, एकदम काले आए आपको बता रहे लाइटिंग की कमी, और एकदम बाहर ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे दिन सा ही निकल रखा है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो गई हमारे गली में, पानी भी भर गया मम्मी, तो चलिए एक बार बस बाल से सेट से कर लूँ फिर बनाने लगते हैं रील। तो गाइस देखें मैं और मम्मी आए हुए हैं ऊपर छत पे रील्स बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आई और वैसे ही क्या हो गया, बारिश रुक गई लेकिन अच्छा मौसम हो गया, ठीक हो गया, नहीं तो मैं सारी भीग जाती और फिर आज मेरे को सर धोना पड़ जाता, वो मुझे बस संडे को धोना था। गाइस सर धोना इसके याफत का काम है, अरे बार भी मुँह होकर लग गया या धोन है ना, ये मैं ही धोया करती इसके बाल वाल सारे, अभी देख लिए वो अपने आप केयर करेगी जब किसी एक रहूँगी, इतनी तो मम्मी करा करती हूँ कि केयर, और देख अरे इसकी भी पार बस आ जाता फिर पे दवा ले, वो तो मैंने कहती हूँ कि अनवी भी होगी यार बट गोड़ बड़ी हो गई तो, अभी भी इसका दर्द भी ज़्यादा हुआ है, और हमारी गली का हाल मैंने आपको दिखाया था जैसा कि, लेकिन अब जैसे बारिश रुक गई ना अब तो पानी फिर भी कम हो गया, लवना शायद पहले आके लवना तो शायद पहले आके चले गए, हमने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, और बनाते हैं मौसम एक नंबर का रखा है, ठीक है। तो गाइस देखिए कोलैबोरेशन में आए हैं बबल रैप, देखिए मजाक है, तो गाइस ये पूता आ चुकी थी और आते ही आते ही आते ही आते ही मेरे को दिखा सामने पार्सल, इसका हाँ? पार्सल आज उनको भी हमने अपना घर दिखा दिया, हम इसके पार्सल वहाँ से ला ला के थक चुके थे, किसको नितेश था, और किसी दिन अगर दोनों स्कूल में गए हुए हैं, नितेश इसलिए था क्योंकि नितेश की तबीयत खराब हो रखी है, और क्या पार्सल आया देखेगा इस, आप भी देख लो चीज है इससे मैं एक घंटे तक खेलूंगी, देख लो ये बचपना किस किस के अंदर है बताना, पट 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 अभी लवन आ रही है, कोई भी आगे सब पटापट पटापट करे जाएंगे, इसको तो इस बॉक्स को तो तोड़ने नहीं दूंगी, इसमें तो वापस से पैक करवाऊंगी इसको, 3-in-1 क्या लिखा है, लोटस की हर्बल सेब सन 3-in-1 मेटल लुक डेली सनस्क्रीन है, फोटो में तो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही थी, मतलब नहीं वजह से ऐसे फोटो देख रहे थे ना ज़्यादा बड़ी लग रही थी, लेकिन खैर ये अच्छी है, देख लो सेलिब्रेशन में ही आई है, लेकिन इसकी मेरे को रील बनानी है, इसके लिए मैंने ज़्यादा करनी है, हाँ लेकिन मैंने ज़्यादा करनी है, तो मतलब पहले तो ये होता था जैसे हमें उसको ठीक है वो देखते हैं, ये फर्स्ट ऐसा आया, अगर इसको प्रमोट अच्छे से रील बना के वो कर दी तो इसके बाद कंपनी के साथ फिर ज़्यादा हो जाऊंगी, तो अभी आज रील बनानी है हमने, फिर अगर आज इस पे बनाऊंगी तो सोच फिर रील्स भी बना लूंगी, बस फिर प्रॉपर लो, और गाइस
मेरी अनवी मेरे को तो सोने नहीं देती, वहाँ लग रही है आप चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी। और याद तो हमने तो खोला ना, हम तो रोज खोल खोल कर बोर हो चुके, माँ आप खोल कर देख लेगी के है के ना है ना जी। मतलब ये पार्सल और लोटस वालों के साथ है ना गाइस, बहुत सारे पार्सल मिल चुके हैं उनकी, बहुत सारी क्रीम्स हमें रिसीव हो चुकी हैं। तो अब पहले जैसे वे ऐसा करते थे कि भाई मतलब उसके थ्रू आता था, अब डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आने लग गया। पहले जैसे एक पेज था उसके थ्रू हमारे पास लोटस की वो आती थी, जैसे कंपनी उसको बोलती थी उसके थ्रू हमारे को मिलता था। अब डायरेक्ट कंपनी इसे भेजती है ताकि अब रील वील बनवा। अब इसको पहली बार ऐसा हुआ कि अब इसकी ना तो कोई पेमेंट हमने ये भी नहीं हो रहा, पहले तो ये होता था कि पहले पेमेंट करो, लेकिन अभी कंपनी के पास इतना ट्रस्ट हो चुका है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा चीज़ों का रिव्यू हम दे चुके हैं, तो अब उन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं, वे अपने डायरेक्ट कंपनी से इसके पास भेजी है ये कि आप इसकी रील बना दो और ये कर दो वो कर दो। तो इसके ना तो हमें पहले पैसे चार्ज देना पड़ा, पहला ऐसा प्रोडक्ट है ये जिसके मतलब डिलीवरी बॉय को हमें मतलब कुछ नहीं दिया, उन्होंने बस हमें प्रोडक्ट दिया और हम आ गए। तो नहीं तो पहले ये होता था कि पहले पैसे दे देते थे, फिर उसके बाद वो पैसे आ जाते थे अकाउंट में एक हफ्ता 10 दिन के बाद, जब उनका काम पूरा कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब जैसे मतलब काम करते करते अब कंपनी ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ाया है। अब इसके बाद जब हमारे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद जैसे मतलब पेमेंट भी मिलने लग जाएगी कुछ कुछ। तो आज मेरे को अब इस पे रील बनानी है, रील डालनी है आज नहीं कल बना लिए ना, देख लेना कल बना लूंगी, मैं भी यही सोच रही हूँ। कल वल देख लेगी, रील बना लेगी, इसका रिव्यू देना है, फिर क्या नाम है पूरी प्रॉपर रील बनानी है, मतलब बिल्कुल बस इस पे डेडिकेट होनी चाहिए वो प्रॉपर रील। और दिखाऊंगी या कितने टेक लेगी, बैक कैमरा था आपने देखियो, आप एक टेक में बना लूंगा, टेक के बाद मेरे चैनल बना लूंगा, देखते हैं गाइस आप भी देखना। और मतलब पर ये हो गया ना, पहले अगर वो स्क्रिप्ट वगैरह नहीं देते तो उन्होंने एक एग्जांपल के उसमें एक स्क्रिप्ट दी है प्रॉपर, यो तो सभी देते हैं कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट देगा ना वो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट बताता है कि ये बोलना है जी, आप बोलना मतलब होना चाहिए, आप इसको कैसे आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं उसी को देख के जैसे उसमें लिख रखा है वैसे ही बोल दूंगी, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी उसमें। तो इसीलिए तो गाइस चलिए अभी एक कपड़े कलर व्हाइट होता है, इसका ब्राउन कलर है, स्मेल अच्छी स्मेल है बिल्कुल अच्छी है। मैं आपको बता देती हूँ पॉन्ड्स के पाउडर की सबने स्मेल सुंग रखी होगी, जो हमारी ऐसी स्मेल है जैसे पॉन्ड्स के उसमें से आती थी, पॉन्ड्स का वो आता था एक टाइम पहुंच लेता, उसकी एड भी बहुत आती थी, वही है ये बिल्कुल वो पाउडर। और ये हमने हम मंगा करते पापा पॉन्ड्स का लाइए, पापा पॉन्ड्स का लाइए, अच्छी स्मेल बस वैसी स्मेल है आप समझ लो। तो चलिए गाइस चलो कपड़े चेंज कर लो, खा पी लो और फिर इसकी रील वील बनाने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक शेयर एंड कमेंट, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।